हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से मुझे जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछते हो कि भाई ईयर एंड सेल हमें कब देखने को मिलेगा। अब फाइनली फ्लिपकार्ट ने आपकी सुन ली और ईयर एंड सेल जो है अनाउंस कर दिया है स्पेशली स्मार्टफोन के लिए। तो यहाँ पर सारी स्मार्टफोन की ईयर एंड सेल वाली डील्स रिवील्ड हो गई है, बैंक ऑफर रिवील्ड हो चुका है, डिस्काउंट कितना मिलेगा वो भी रिवील्ड हो चुका है। तो आज की स्टूडियो में मैं आपको 70 प्लस स्मार्टफोन डील्स बताने वाला हूँ ईयर एंड सेल की। उसमें से आज की डेट में आपको कौन से फोन में इन्वेस्ट करना चाहिए, परचेज करना चाहिए, कौन से फोन से बेकार है, बच के रहना चाहिए, सारी चीजें बताने वाला हूं बिल्कुल दिल से, ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको सेल का नाम बता दूं, यहाँ पर इसका नाम है मोबाइल ईयर एंड सेल। सेल डेट की अगर हम बात करें तो 29th ऑफ दिसंबर से लेकर 31st ऑफ दिसंबर तक के रहने वाले हैं। 3 दिन का यहाँ पर 2020 का आखिरी सेल रहने वाला है। बैंक ऑफर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पे जो है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और मैक्स डिस्काउंट जो है बार सिर्फ आपको 1000 रुपए का देखने को मिलेगा ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पे, जबकि डेबिट कार्ड पे आपको कुछ भी ऑफर देखने को नहीं मिल रहा है। और EMI ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड से कराते हो तो उस पर भी आपको जो 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बैंक ऑफर मुझे ठीक ठाक लगा, इतना कुछ खास नहीं है। सो गाइस, अब चलिए मैं आपको फटाफट से स्मार्टफोन डील सारी यहां पर बता देता हूं कि कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन से स्मार्टफोन से बच के रहना चाहिए। और एक और एक चीज, मैं सारे स्मार्टफोन के स्पेक्स वगैरह गिनाते नहीं बैठूंगा, गिनाते बैठूंगा 70 स्मार्टफोन की तो 2 घंटे के ऊपर की वीडियो बन जाएगी। फटाफट से बोलूंगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वैसे स्पेक्स वगैरह आप सब समझदार हो, आपको पता है कौन से फोन में क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहले स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो Realme 6i का 6GB वाला वेरिएंट जो है आपको 11999 पे देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड लगाओगे 11000 रुपए का मिल जाएगा। 11000 रुपए में सीरियसली अगर आपको स्मार्टफोन मिलता है, डेफिनेटली आप जो इसे परचेस कर सकते हो, अच्छी डील है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका पोको C3 7000 रुपए का देखने को मिल रहा है, बैंक ऑफर लगाओगे 6300 रुपए का है, काफी अमेजिंग स्मार्टफोन है, देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर नार्जो 20 10,500 रुपए का देखने को मिल रहा है, बैंक ऑफर के साथ 9,500 रुपए का मिलेगा, वैल्यू फॉर मनी है, देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर शाओमी का मी 10 टी सीरीज, बेसिकली ये आपको 36,000 रुपीज का मिलता है, लेकिन अगर आप बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर वगैरह मिलाओगे 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 31,000-32,000 रुपीज के आसपास Xiaomi का Mi 10 T मिलता है। तो डेफिनेटली देख सकते हो काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, लेकिन IPS डिस्प्ले के साथ में आता है, ये चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर Poco X3 16,000 रुपए का है, बैंक ऑफर के साथ में 15,000 रुपए का मिलेगा, वैल्यू फॉर मनी है, देख सकते हो। नेक्स्ट Samsung Galaxy F41 15,500 रुपए का, बैंक ऑफर के साथ में 14,500 रुपए का मिलेगा, बिल्कुल भी वर्थ नहीं। Exynos 9611 सपने में भी आप मत देखना, भूल जाओ, घटिया प्रोसेसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका Vivo V20 25,000 रुपए का है। ये मैं उन लोगों को स्पेशली रेकमेंड करूंगा क्योंकि फ्रंट फेसिंग कैमरे का बहुत ज्यादा काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, व्लॉगिंग वगैरह स्मार्टफोन से करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग देख सकते हैं। सेल्फी कैमरा आज जस्ट अमेजिंग, डिजाइन भी अच्छा, स्लिम स्मार्टफोन है, वैसा स्मार्टफोन अगर आपको चाहिए देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर Realme C15 का स्नैपड्रैगन वर्जन, मीडियाटेक वर्जन, 9,000 रुपए में, दोनों को स्किप कर दो। पोको M2 10,000 रुपए का मिल रहा है, ऑफर के वगैरह लगाओगे बैंक का 9,000 रुपए का मिल जाएगा, एक्सीलेंट डिवाइस है, 664 वाला वेरिएंट मिल रहा है, ले सकते हो। Realme Narzo 20 Pro 14,000 रुपए का है, बैंक ऑफर लगाओगे 13 में मिल जाएगा, और 13,000 रुपए में यार आपको 65W का सुपर डार्ट चार्जिंग, जस्ट किलर डील, देख सकते हो। iPhone XR 39,000 रुपीज में स्किप कर दो, 4G स्मार्टफोन है, आज की डेट में उससे फार बेटर आपको एंड्रॉइड में ऑप्शन मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर Redmi 9 Prime 10,000 रुपए का, इससे बेटर है कि आप पोको M2 ले लो, 6GB रैम वहां पर मिलेगा सेम प्राइस पॉइंट पे, तो Redmi 9 Prime आज की डेट में मत लेना। Redmi 9i 8,300 रुपए में और ऑफर वगैरह लगाओगे 7,500 रुपए का मिलेगा, ठीक ठाक है, अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, पसंद आ रहा है MIUI वगैरह तो ले सकते हो, अदरवाइज मैं बोलूंगा स्किप कर दो। नेक्स्ट है पोको M2 Pro 13,000 रुपए का ऑफर प्राइस है और बैंक ऑफर के साथ में आपको सिर्फ 12,000 रुपए मिलेगा, 12,000 रुपए में सबसे बेस्ट डील है, डेफिनेटली देख सकते हो। 720G है, बैटरी अच्छी है, फास्ट चार्जिंग अच्छी है, ओवरऑल ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, 12,000 रुपए की रेंज में। Realme Narzo 20A 8,500 रुपए का है, ऑफर वगैरह लगाओगे और चीप में मिल जाएगा, देख सकते हो। Oppo Reno 2F
बेसिकली यहाँ पर ये जो है 17,000 रुपए का है, लेकिन अगर आप प्रीपेड और मतलब कार्ड से पेमेंट कर तो 16 का हो जाएगा। 16 के बाद में आप 1,000 रुपए और ऑफ आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड पे, तो जनरली अगर आप देखोगे तो 15,000 रुपए के आसपास मिलेगा। 256 GB आपको मिल रहा है, 6 GB की रैम है, सुपर एमोलेड बेजललेस डिस्प्ले वगैरह है, वुक चार्जिंग का सपोर्ट है, देख सकते हो। थोड़ा परफॉर्मेंस में आप बोल सकते हो आज की डेट के हिसाब से थोड़ा सी कम है, हीलियो P60 वगैरह दिया गया है, अगर आप उसमें थोड़ा चला लोगे, लेकिन आपको डिस्प्ले और बाकी की सारी चीज़ें अच्छी चाहिए, देख सकते हो। पोको X2 आज की डेट में स्किप कर दो। मोटरोला 1 फ्यूजन प्लस ऐसा देखा जाए 17,500 रुपये का है, 1,000 रुपये का आपको एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है, और आपका 1,000 बैंक ऑफर देखोगे तो आपको अराउंड 15,500 रुपये के आसपास पड़ेगा। वो प्राइस पॉइंट पे स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, बेजल लेस डिस्प्ले वगैरह चाहिए, मोटरोला के फैन हो, कैमराज वगैरह में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो लो लाइट में, देख सकते हो। अच्छा स्मार्टफोन है, स्पेशली स्टॉक एंड्रॉइड बेजल लेस और पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला फोन चाहिए, तब देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही गर्म गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट में आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाओ। तो गाइज नेक्स्ट स्मार्टफोन यहाँ पर ओप्पो A5s 8,000 रुपए में स्किप, रियलमी 7 15,000 रुपए का मिल रहा है, ऑफर लगाओगे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड तो 14 में मिल जाएगा, 14,000 रुपए में एक बढ़िया से ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। रियलमी 7i 12,000 रुपए का, एक बैंक ऑफर लगाओगे 11 का मिल जाएगा। ओवरऑल फोन मुझे काफी अच्छा लगता है, सिर्फ ये मार यहाँ पर खाते कि HD डिस्प्ले वाला यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है, तो वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर आप HD डिस्प्ले के साथ में रह सकते हो, लेकिन फिर भी 11,000 रुपए में तो आपको रियलमी 6i मिल रहा है, तो आप 7i डाउनग्रेड क्यों करोगे? नंबर वाइज तो ये ज्यादा है, लेकिन 6i बेटर स्मार्टफोन है, तो वो ले लो, 7i को आज की डेट में मत देखना। रियलमी 7 प्रो 20,000 रुपए का बेस्ट स्मार्टफोन है, कार्ड लगाओगे 19,000 रुपए में मिलेगा, डेफिनेटली देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आईफोन 11 प्रो 80,000 रुपए का आपको देखने को मिल रहा है, बेस वेरिएंट, पैसा भर भर के अगर बर्बाद करने को रखा हुआ है, इंडिया में रहते हो आप तो डेफिनेटली इसकी तरफ देख सकते हो। रियलमी C11 7,500 रुपए का है, देख सकते हो डिसेंट स्मार्टफोन है। इन्फिनिक्स नोट 7 10,000 रुपए का है, बैंक वगैरह का ऑफर लगाओगे 9,000 रुपए का मिल जाएगा, ठीक ठाक स्मार्टफोन है, बड़ी बैटरी चाहिए, बड़ा डिस्प्ले चाहिए, डुअल स्टीरियो स्पीकर वगैरह चाहिए, देख सकते हो। ओप्पो F15 ये आपको बेसिकली 15,000 रुपए का मिलता है, प्रीपेड अगर आप पेमेंट करते हो तो 13 का हो जाएगा, और ICICI से करते हो तो 12,000 रुपए मिलेगा। तो ये मैं स्पेशली उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जिसको 12,000 रुपए में 128 GB स्टोरेज चाहिए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में, एमोलेड के बहुत बड़े फैन हो, बाकी की सारी चीजें थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो F15 की तरफ भी देख सकते हो, 12,000 रुपए में कोई भी बुरी डील नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस 8,000 रुपए में, और बैंक ऑफर लगाओगे 7,200 रुपए का है, देख सकते हो बड़ा डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो देख सकते हो। मोटो G9 11,000 रुपए का है, बैंक ऑफर लगाओगे 10 का मिल जाएगा, इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है। रियलमी C12 9,000 रुपए में स्किप, इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 7,000 रुपए का, बैंक ऑफर लगाओगे 6,300 का मिलेगा, अच्छा लगता है फीचर्स वगैरह, देख सकते हो बुरी डील नहीं है। नेक्स्ट है रियलमी X3 सुपर जूम एडिशन 24,000 रुपीज का, बैंक ऑफर लगाओगे 23,000 रुपए का मिल जाएगा, ठीक ठाक है यार, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। रियलमी X3 22,000 रुपए का है, ऑफर लगाओगे 21,000 रुपए में मिलेगा, एंड वो प्राइस पॉइंट पे 855+ मिल रहा है आपको, और UFS 3.0 का सपोर्ट मिल रहा है। परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन चाहिए, गेमिंग वगैरह बहुत ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा हैवी टास्क पर आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन 4G फोन अगर आपको चल जाएगा 21,000 रुपए में, देख सकते हो बुरी डील नहीं है। LG वेलवेट डुअल स्क्रीन 40,000 रुपए में, ठीक ठाक यार, इतना कुछ खास नहीं है। Redmi 8A डुअल 7,000 रुपए का, बैंक ऑफर लगाओगे 6,300 में मिलेगा, देख सकते हो काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। Redmi Note 8 स्किप कर दो, बहुत पुराना हो चुका है। मोटो G9 पावर 12,000 रुपए में स्किप, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 11,000 रुपए का, देख सकते हो बहुत ही कमाल का डिवाइस है, मैं यूज कर रहा था और अनबॉक्सिंग वगैरह भी बनाया, जाके चेकआउट कर लेना। माइक्रोमैक्स इन 1B 7,000 रुपए वाला रिकमेंड नहीं करूंगा, 8 वाला अगर आपको मिल रहा है, अच्छा लग रहा है 4/64 वाला, देख सकते हो। मोटो G5G 21,000 रुपए का, बैंक ऑफर के साथ में 20 का मिलेगा, मैं बोलूंगा रुक जाओ यार, रियलमी X7 वगैरह आने दो और 20-22,000 रुपए मिलेगा, मी 10 आई वगैरह, तो ये अभी फिलहाल के लिए 5G के नाम पे ये स्मार्टफोन में पैसे डालने की जरूरत नहीं है। टेक्नोपोआ 10,000 रुपए में, ठीक ठाक है, अच्छा लगता है, ले सकते हो, इतना कुछ खास नहीं है। इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021 6,000 रुपए का मिल रहा है, तो इसके बदले में यार अभी आपको ICICI बैंक के साथ में रेडमी 8A डुअल हो गया या और रियलमी C11 वगैरह मिल रहा है, यही थोड़े 200-300 रुपए की चेंज में, तो मैं बोलूंगा वो ले लो एज कम्पेयर टू दिस वन। नेक्स्ट है इन्फिनिक्स 08i 16,000 रुपए में, रिकमेंडेड नहीं है, 15 तक के था, 14 में मिलता तो बढ़िया रहता, 16,000 रुपए की करने की जरूरत क्या थी, इतना प्राइस क्यों बढ़ा दिए।
बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इनफिनिक्स शॉर्ट 10 9,500 रुपए का है, बैंक ऑफर लगाओगे 8,500 रुपए का मिलेगा, देख सकते हो अच्छा स्मार्टफोन है। वीवो वाई 51 18,000 रुपए में बकवास स्मार्टफोन है। Realme X50 Pro 5G 35,000 रुपए का है, बैंक ऑफर के साथ में 34,000 रुपए का मिलेगा, वो प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन करंटली इंडिया में मिल रहा है, देख सकते हो 5G फोन है। Samsung S20 Plus 50,000 रुपए का है, ऑफर के साथ में 49,000 रुपीस का मिलेगा। देखो फ्लैगशिप फोन है और आपको सैमसंग का एक्सपीरियंस चाहिए, सैमसंग के बहुत बड़े फैन हो और एकदम से टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन वगैरह चाहिए, 50,000 रुपए में देख सकते हो फ्लैगशिप बहुत ही कमाल का है। LG G8X 26,000 रुपए में, नहीं अभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, 20-22 में मिलता है तब कमाल की डील है, 26,000 मत डालना, आप फोन नहीं लोगे तो LG वाला खुद कम करके देगा। पिक्सल 4 है 32,000 का है, ऑफर में 31 का मिल जाएगा। एंड इसका कैमराज आउटस्टैंडिंग है, फ्लैगशिप कैटेगरी का है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कमाल का है, बाकी उसके अलावा जो सारी चीज़ें टोटली मिड रेंज का है। तो अगर आपको कैमरे से ही मतलब है और छोटा स्मार्टफोन चाहिए, पिक्सल एक्सपीरियंस चाहिए, 32,000 आप मिड रेंज वाले स्मार्टफोन के लिए दे सकते हो तब देखना, अदरवाइज मुझे ठीक ठाक स्मार्टफोन लगता है। नेक्स्ट फोन की अगर हम बात करें तो ROG फोन 3 45,000 रुपीज का मिल रहा है, ऑफर में 44,000 रुपीज का मिलेगा, पबजी भी नहीं है, 4G भी नहीं है और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने के लिए 45,000 अगर आपको डालना है तब डाल सकते हो। गेमिंग स्मार्टफोन लेके करोगे क्या, नॉर्मल मिड रेंज में भी एक से मतलब अच्छी तरीके से खेल पाते हो, डेडिकेटेड गेमिंग हाँ अगर आपका यूट्यूब पे चैनल बना रहे हो, स्ट्रीमिंग कर रहे हो और साथ ही में बहुत सारे रिकॉर्डिंग वगैरह बैकग्राउंड में करो, गेमिंग फोन चाहिए तब ठीक है, एज अ करियर अगर आप बना रहे हो या स्टार्ट करो इनिशियली, लेकिन आप सिर्फ गेमिंग नॉर्मली ऐसा खेलने के लिए ले रहे हो तो गेमिंग फोन के लिए 45-50,000 रुपए आप क्यों डालोगे मेरी समझ के बाहर है। IQ3 30,000 रुपए का, देखो हाँ 30,000 रुपए तक एक बार समझ में भी आता है, ये देख सकते हो 865 है, एयर ट्रिगर वगैरह का सपोर्ट है, ये भी आपको वही एक्सपीरियंस देगा जो कि ROG फोन 3 में मिलता है, थोड़ा 19-20 का फर्क रहेगा, बाकी की सारी चीजें आपको सिमिलर ही देखने को मिलती है। मोटोरोला रेजर 75,000 रुपीज में स्किप, मोटोरोला एच प्लस 65,000 रुपए में स्किप, LG विंग 65,000 रुपीज, क्या ऐसे ऐसा करते बैठोगे क्या, फोन तो नॉर्मली इस्तेमाल करोगे, कभी कभार ऊपर नीचे करोगे और एक बार खराब हो गया ना तो आपके 65,000 रुपीज में स्किप। Vivo V20 Pro 30,000 रुपए का है, अगेन बोलूंगा सेल्फी कैमरे से बहुत ज्यादा लेना देना आपका और आपको 5G स्मार्टफोन भी चाहिए, V20 और V20 Pro में जो है सिर्फ बेसिकली 5G का ज्यादा डिफरेंस है, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज प्रीटी सेम ओनली, तो ऐसा है 5G भी चाहिए, कैमरा भी अगर आपको सेल्फी कैमरा चाहिए तब देख सकते हो, अदरवाइज इसको भी ठीक ठाक फोन में बुकाऊंगा। Realme Narzo 10 12,000 रुपए में स्किप, जियोनी मैक्स 5,500 रुपए में स्किप, ओप्पो A9 14,000 रुपए में स्किप, मोटो E7 प्लस 9,500 रुपए में स्किप, इन्फिनिक्स हॉट 9 स्किप, ओप्पो A52 स्किप, इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो स्किप, ऑनर 9X प्रो 256GB 6GB रैम के साथ में 14,000 रुपए में फोन डीलर देखोगे, किरीन 810 वगैरह मिल रहा है, आँख बंद करके मैं आपको रिकमेंड कर सकता था लेकिन GMS नहीं है, गूगल मोबाइल सर्विस नहीं मिलती है, हुआवे का खुद का ऐप स्टोर है, आपका प्ले स्टोर फोन में नहीं है, गूगल की सर्विस नहीं है और इंडिया में आप हो तो मैं आपको कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ। हाँ अगर आप चाइनीज हो वीडियो देख रहे हो तब ले सकते हो, इंडिया वाले लोगों को मैं स्पेशली रिकमेंड नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। सो गाइस ये सारी स्मार्टफोन डील्स जो कि आपको फ्लिपकार्ट के ईयर एंड सेल में देखने को मिल रही है, मैंने 70+ स्मार्टफोन डील्स आपको बताया हूं और पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं कि मुझे यहां पर सेल कैसा लगा तो मुझे ये सेल सीरियसली बता रहा हूं अच्छा नहीं लगा है। 70 स्मार्टफोन डील्स मैंने आपको बताया हूं, मोस्टली 50-55 स्मार्टफोन मैंने आपको स्किप करने को बोला हूं, क्यों बोला हूं, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ब्रांड्स अपना कचरा निकालने को जा रही है, आपको आपका पैसा कचरा नहीं है, आपको अपना पैसा नहीं निकालने का नहीं है, आपको अपना पैसा अपने पास रखना है, सही टाइम पे सही जगह पे सही वक्त पे यहां पर आपको इन्वेस्ट करना है और सही स्मार्टफोन आपको चूज करना है, इसलिए मैं बैठा हूं, इसलिए मैं बार बार ऐसी टाइप की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं, हर सेल को लेकर मैं आपको जो कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, मेरे को बार बार बनाने में मजा आती है क्या, नहीं मजा नहीं आती है, सिर्फ आप लोगों के लिए यहां पर मैं जो है इतने लंबी लंबी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यहां पर ये सेल की डील आपको कैसी लगी और वीडियो हमारी ऑनेस्ट वीडियो कैसी लगी वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।